हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको शूज के बारे में बताएंगे कि शूज कैसे पहनने चाहिए रनिंग वाले बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपना कभी लोभ मत करना कि ये शूज ज्यादा महंगा है या सस्ता है। आप जितना कंफर्टेबल शूज पहनोगे आपके पैर उतने ही बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं 500-500 रुपए वाले जूते पहन लेते हैं, उनसे क्या होता है उनका सिन पिन उखड़ जाता है या रोड पर रनिंग करते हैं उनमें दिक्कत आती है दौड़ने में। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि जूते जो हों ज्यादा से ज्यादा अच्छे पहनो, अच्छी क्वालिटी के पहनो, क्योंकि उससे क्या होता है कि पैर में कोई दिक्कत नहीं होती रनिंग करते समय, या आप ग्रास पे दौड़ रहे हो या आप रोड पे दौड़ रहे हो या माटी पे दौड़ रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे बेहतरीन यही है कि जितना हो सके अपने जूते सबसे बेस्ट होने चाहिए। जो लोग बाग लो क्वालिटी के जूते पहनते हैं तो उससे क्या होता है जो आप रोड पर रनिंग करते हो तो सिन पिन हो जाता है, किसी की एड़ी में दिक्कत होती है, किसी का पैर दर्द करता है, किसी का घुटना दर्द करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी मेरे पास आ चुकी हैं और लोग आप बोलते हैं कि भैया दर्द होता है, इसे क्या करें क्या ना करें। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हो सके तो अच्छे से अच्छे क्वालिटी के आप शूज़ पहनो। हमारे अच्छी क्वालिटी के शूज़ होते हैं तो उनसे क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं स्टार्ट लेते हैं तो उनसे जो अपना जो माटी होती है पीछे नहीं होती और पैर हमारा वहीं में रहता है। जो हल्की क्वालिटी के जूते होते हैं उनसे पैर में दिक्कत होती है स्टार्ट लेने में। जैसे कि हम ऐसे स्टार्ट लेते हैं तो हमारे शूज वगैरह होते हैं कुछ भी होता है तो इसमें से रनिंग करते हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट जूता होता है, इसलिए मैं आप सबसे ये दुआ का निवेदन करता हूँ कि आप जितना हो सके अच्छे से जूता पहनो और इससे आपका पैर आपका शरीर कम्फर्टेबल रहेगा।